तो आज के इस वीडियो में हैप्पी बर्थडे यानी जन्मदिन का इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से तो इजीली बना सकते हो। सो गाइस इस वीडियो को अच्छा से देखेगा। इस वीडियो में आपको इस टेक्स्ट वगैरह जो संदीप लिखा है इस तरह से आपको लिखना भी बताएंगे कि कैसे लिखना है, एंड चाहो तो डायरेक्ट इसका PLP फाइल भी डाउनलोड करके एडिट कर सकते हो, तो जैसे मैंने वैसे बना सकते हो। तो चलिए गाइस टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले इस पोस्टर को बनाने के लिए आपको पिक्सल वेब एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो आप ओवल वर्जन वाला ही डाउनलोड कीजिएगा। इसको मैं ओपन करता हूँ एंड गाइस यहाँ से कैंसिल कर कर बिल्कुल न्यू इंटरफेस में मैं ओपन कर लूँगा। अब गाइस यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट लिखा है इसको सेलेक्ट करके ऊपर डिलीट ऑप्शन से यहाँ से ओके करके आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब गाइस इसमें सबसे पहले आपको बैकग्राउंड लेना है। आप चाहो तो दूसरा बैकग्राउंड भी ले सकते हो या फिर मैं जो भी PNG बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहो तो PLP फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले बैकग्राउंड लेना है ताकि साइज़ वगैरह अच्छा से एडजस्ट हो। तो कैसे लेना है, लेने के लिए ऊपर यहाँ पे देख सकते हो 3 डॉट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पे फर्स्ट में ही यूज इमेज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको गैलरी में चले जाना है। अब गाइज यहाँ से देख सकते हैं मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को रखा हूँ, इसको लेना है एंड सही वाले ऑप्शन पे इस तरह से सही कर देना है। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमने जो बैकग्राउंड है यहाँ पे ले लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बॉर्डर यानी फ्रेम PNG लगाएंगे। तो फ्रेम PNG लेने के लिए अब गाइज नीचे जो यहाँ पे बीच में राउंड जैसे ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड दूसरे नंबर पे इम्पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से आपको गैलरी में जाना है एंड ए वाली फ्रेम आपको ले लेना है, सही वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देना है। तो सब आपको एक ही वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, तो PNG बैकग्राउंड में जाकर आप देख सकते हो। अब गाइस इस फ्रेम को यहाँ पे जो मोटा सा बिंदु इसको पकड़ के आप इस तरह से 12 कर लेना है और इतना ले आकर रहने देना है। अब गाइस इस फ्रेम इधर उधर ना हो पोस्टर पर, इसके लिए इसका हम लेयर को लॉक करेंगे। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ताला वाले आइकन पर क्लिक करके सिंपली से इसका हम लेयर को लॉक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पे हमको क्या करना है, ऊपर एक जो हैप्पी बर्थडे का तिरंगा PNG है उसको लेना है। तो उसको लेने के लिए अब ऊपर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। जैसे ही जाओगे तो आपको इस तरह से फिर से ये वाली PNG भी ले लेना। आप चाहो तो नीचे एंड ऊपर से इस तरह से क्रॉप भी कर सकते हो एंड सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसको भी ऊपर ले आके आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब गाइज यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर आ रहा है तो इसको हम टू बैक में भेज देंगे। बैक में भेजने के लिए नीचे बीच में राउंड जैसे ऑप्शन पे क्लिक कराना चाहिए और नीचे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, इसको स्लाइड कर कर आगे जाना है एंड यहाँ पे एक टू बैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप इस लेयर को सबसे बैक में भेज सकते हो। तो देख सकते हो आप ऊपर करो नीचे करो ऊपर नहीं आएगी बॉर्डर के, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको आपको अच्छा से कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब गाइज यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, तो आप दो फोटो पोस्टर पे देखो तो उस तरह से दो फोटो आपको लगा लेना है। तो चलिए गाइज मैं यहाँ पे फोटो को ले लेता हूँ। फोटो लेने के लिए प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है एंड गाइज मैं यहाँ पे फोटो दूसरे फाइल में है, तो चलिए मैं उस फाइल को ओपन करता हूँ एंड गाइज यहाँ से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ जो फोटो हमने लगाए हैं। तो चलिए गाइज यहाँ से मैं एग्जाम्पल के लिए कोई सा भी फोटो ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ये फोटो ले लेता हूँ किसी और का, ठीक है। तो चलिए हम हल्का नीचे से क्रॉप कर देते हैं। याद रखना गाइज कि फोटो PNG में होना चाहिए। अगर अपना फोटो को PNG बनाने नहीं आता तो उस पर मैं वीडियो बनाई हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो इस तरह से फोटो लेना है गाइज ऊपर वाले इस ऑप्शन से, इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ ले आके कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। अब गाइज यहाँ इस फोटो को आपको ऑपसिटी जो है कम कर देना है, धुंधला करना है, तो उसके लिए नीचे बहुत सारा ऑप्शन है, इसको स्लाइड कर कर आगे जाना है और भी आगे जाना है। यहाँ पे एक ओपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, देख सकते हो नीचे बीच वाले ऑप्शन पे ही क्लिक रहना चाहिए, फोटो सेलेक्ट रहना चाहिए, ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका जो है ओपेसिटी आपको इस तरह से हल्का सा कम कर देना है, बस ज़्यादा नहीं 74% रख, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब बस इतना करने के बाद यहाँ पे भी आपको एक PNG लगाना है दूसरी फोटो को। उससे पहले यहाँ पे हम इस जो काटा फटा सा इसको हम ढक देंगे एक PNG लगाकर। तो उसको प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और यहाँ से एक हम शेडो PNG ले लेंगे जो कि वेबसाइट पे ही मिलेगा, ये वाली रेड वाली शेडो PNG लेंगे। अगर फोटो नीचे से धुंधला है तो इसका ज़रूरत नहीं है, वरना नहीं करने आता तो इस तरह से धुंधला लेना है एंड इसको यहाँ पे ले कर रखना है। मैं इसको इस तरह से छोटा करके
और यहाँ पे इसको रख दूंगा। अब गाइज यहाँ पे इस फ्रेम के मतलब कि आ रहा है इधर, तो इसको हम बैक में भेज देंगे, जो सेलेक्ट है इसको टू बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैक में भेज देंगे। अब इस भी फोटो को हमको सेलेक्ट करके इसको भी बैक में भेज देना, कुछ इस तरह से देख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे पता नहीं चल रहा है उतना, ठीक है। तो इसको आपको अच्छा से एडजस्ट कर लेना है, देख सकते हो। तो इसको आप इस तरह से छोटा भी करके और सिर्फ यहाँ पे इस तरह से आपको अच्छा से एडजस्ट कर ले, देख सकते हो आप कटा फटा सा नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, एडजस्ट हो गया है परफेक्टली। अब गाइज यहाँ पे हमको दूसरा PNG भी लगा देना है, तो चलिए यहाँ पे फिर से ऊपर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाएंगे एंड यहाँ से भी हम दूसरा PNG ले लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे, चलिए मैं ये वाली PNG फिर से लेता हूँ जो कि आप पोस्टर पर भी देखे होंगे। तो इस तरह से हम PNG लेंगे, आप दूसरा किसी भी तरह का PNG लगा सकते हो या फिर इस पोज में है तो ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से छोटा करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे 12 फोटो भी इस तरह से लगा सकते हो। तो इस फोटो को हम यहाँ पे लाएंगे। अब आज इस फोटो को आपको यहाँ से बैक में भेजना होगा, तो बैक में भेजने पर एकदम से बैक में चला जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से सिर्फ फ्रेम के बैक में भेजते हैं। तो उसके लिए आपको लेयर वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपका लेयर देखने को मिल रहा है इस फोटो का, तो यहाँ पर डॉट डॉट बनी हुई है, देख सकते हो। इस पर थोड़ा देर क्लिक करके रखना है एंड इसको नीचे इस तरह से छोड़ोगे तो सिर्फ इसके मतलब कि यहाँ पे जो सेप है इसके बैक में चले जाएगी। यहाँ से करोगे तो फिर से आपको इस सब फोटो को बैक में करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना, और वीडियो अच्छा से देखिएगा तो ही जाकर आपको समझ में आएगा। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो लगभग मेरा फोटो जो है लग गया है। अब यहाँ पे नाम वगैरह लिखना है, तो चलिए हम कैसे लिखना है वो भी हम जान लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे पोस्टर पे सबसे पहले यहाँ पे यहाँ डेट लिखा गया है, ठीक है। तो डेट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, डेट। तो डेट यहाँ पे 2 फरवरी कुछ इस तरह से लिखा गया और ये सभी एक ही फॉन्ट से लिखा गया, तो मैं एक ही फॉन्ट से लिखूंगा। आप तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आप इफेक्ट डालना हम बताते हैं, उसके बाद आप कॉपी पेस्ट कर करके इजीली ही लिख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखने के लिए आपको नीचे जो एक ऑप्शन है ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको एक प्लस का सिंबल देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक जैसे करोगे तो यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। इसको यहाँ पे लाना है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे लाना है एंड एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब गाइज यहाँ पे आपको जो भी डेट रहेगा कुछ इस तरह से लिख लेना है, जैसे कि गाइज मैं यहाँ पे 0 और 2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ से ओके कर दे रहा हूँ, देख सकते हो। इसको हम इस तरह से 12 कर लेंगे। अब गाइज यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम कलर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें हमने कलर ग्रीन टाइप के कलर ऐड किए हैं। आपका जो भी कलर है आप कलर देख सकते हो पोस्टर पे, वही कलर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ग्रीन नहीं है तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ से हम कलर बना लेते हैं। आपको सेम इसी तरह से कलर बनाना है, तो यहाँ पे जो राउंड में गोला है इसको इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्रीन की तरफ करेंगे, और यहाँ पे जो तीनों साइड है तो इसको हमको डार्क ग्रीन बनाना है। यहाँ पे कलर कलर जो प्रीव्यू देख सकते हो, तो यहाँ पे जो बीच वाला है इसको थोड़ा सा हम इधर करेंगे और डार्क बन जाएगा, यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं कलर 2 हो चुका है एंड सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब गाइज मेन इसका फॉन्ट है, इसको सेलेक्ट करके आगे जाना है एंड गाइज यहाँ पे आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देख सकते हो। फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ में इस समय से कोई सा भी फॉन्ट यूज कर सकते हो, बट मैं जो पोस्टर पे यूज किया हूँ एक ही फॉन्ट सब में, उसके लिए माई फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर, और PTS बोल्ड का अभी तक आप लोगों ने फॉन्ट ऐड नहीं किए अपने पिक्सल में तो जाइए ऐड कर लीजिएगा। और आपको यहाँ से PTS बोल्ड का 48 नंबर वाला फॉन्ट यूज करना है, देख सकते हो। यहाँ से मैं ओके कर दूंगा, देख सकते हो यहाँ पे यही फॉन्ट यूज है पूरे में, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यही 48 नंबर वाला फॉन्ट यूज किया हूँ। अगर PTS बोल्ड का फॉन्ट ऐड नहीं किए तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिक्सल में फॉन्ट ऐड कैसे करें तो जाकर देख सकते हो एंड ऐड करना भी आप सीख सकते हो, कुछ इस तरह से देख सकते हो। अब गाइस चलेगा जी इसमें हम इफेक्ट डालना सीख लेते हैं। तो इसमें तो हम कलर कर चुके हैं। अब गाइस यहाँ पे कलर करने के बाद सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा स्ट्रोक डालेंगे, स्ट्रोक व्हाइट डालेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो स्ट्रोक का ऑप्शन है स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम इनेबल करेंगे और यहाँ पे कलर देखने को मिल जाएगी, इसको सेलेक्ट कर आगे जाना है एंड व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ से स्ट्रोक विथ में 4 या फिर 5-6% इतना ही रखना है, 6 रखना है, ठीक है। और इसको बाद यहाँ से गाइज व्हाइट करने के बाद यहाँ पे आपको स्ट्रोक जस्ट बगल में शैडो का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी इनेबल कर देना है, कुछ इस तरह से। तो देख सकते गाइज जैसे कि यहाँ पे भी आप शैडो देख सकते हो, तो शैडो आपको ब्लैक ही रखना है, ठीक है, जैसे बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर आ जाएगी या फिर यहाँ से ब्लैक कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसको हल्का सा नीचे जाना है और इसको यहाँ पे जो इन ब्लेड का जो भी ऑप्शन है देख सकते हो, तो इसको इनेबल कर लेना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब गाइज यहाँ से आपको हल्का सा 1-2 करना है और नीचे 1-2 करना है, कुछ इस तरह से, ठीक है, देख सकते हो। आपको इसको यहाँ से कुछ इस तरह से आपको बढ़ाना है 1-2, ठीक है, और ऊपर जाना है और भी ऊपर जाना है। यहाँ से ऑपसिटी हल्का सा कम कर देना है कुछ इस तरह से,
ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे जो ब्लर रेडियस है इसको भी हल्का सा आपको कम ही कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इतना ही करना है। आप चाहो तो इसका स्ट्रोक हल्का सा हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, 10 कर देते हैं, आपको स्ट्रोक 10 कर देना कुछ इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रोक 10 करोगे तो अच्छा दिख रहा है, देख सकते हो। अब यहाँ पे 2 हो गया, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से छोटा करेंगे। अब हमको फरवरी लिखना है, तो सेम गाइज, अब हमको इफेक्ट बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कॉपी करने के लिए यहाँ पे शुरू में आ जाएंगे और एक आपको कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू में चले आते हैं, देख सकते हो, ठीक है, देख सकते गाइज। यहाँ से आपको जस्ट चौथे नंबर पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करेंगे तो कॉपी यहाँ पे आ जाएगी, इसको यहाँ पे लेंगे। अब इसमें गाइज आपको क्या करना है, फरवरी टाइपिंग कर लेना है। तो चलिए गाइज यहाँ पे हम फरवरी लिख देते हैं, आपको जो भी FEV देख सकते हैं फरवरी आ गया, इसको हम सब 12 लेटर में कर लेंगे यहाँ पे, डबल टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देंगे, देख सकते हो यहाँ पे। अब इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे और इसको भी हम इस तरह से ले आके यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गए, जिसका हम कलर कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, जैसे कि हम ये कर लेंगे या फिर कोई सा भी आप कलर कर सकते हो, डज नॉट मैटर, ठीक है, आप अपने हिसाब से। अब गाइज इतना करने के बाद आप फरवरी को सेलेक्ट करेंगे, इसको अच्छा सा आप बीच में एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर से इसको हम कॉपी बनाएंगे, कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब गाइज इसमें हमको संदीप टाइपिंग कर लेना है, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टर पे जो भी लिखना है यहाँ पे सब हम नेक्स्ट नोट पैड में लिखे हैं, आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम सिर्फ संदीप को क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद गाइज इसको हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे फिर इसमें एडिट वाले नीचे ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे सबको डिलीट कर देंगे और यहाँ से सिंपली से हम पेस्ट करके ओके करेंगे, तो ये देख सकते हो कुछ आ जाएगी। अब भाई इसको इस तरह से 12 कर देना है, देख सकते हो कुछ इस तरह से, देख सकते हो यहाँ पे भी पोस्टर पे भी आप देख सकते हो। इसका कलर हम रेड रखे हैं, तो चले गए यहाँ पे हम कलर रेड ही भी बना लेते हैं। स्लाइड करके आगे जाएंगे, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड गए यहाँ से रेड कलर है, रेड कलर या फिर बनाना चाहते हो बना भी सकते हो। सो गाइज मैं बता दूं कि वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो लंबा है बट वीडियो देख सकते हो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा न्यू यूजर जो एडिट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब गाइज इसको भी आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर लेना है, इधर उधर देख लेना है। अब गाइज फिर आपको क्या करना है, इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, चौथे नंबर वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से फिर से आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, देख सकते हो इस तरह से कॉपी करना है, इसको यहाँ पे रखेंगे एंड गाइज अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो आप अपने हिसाब से नाम लिख सकते हो। तो मैं संदीप यहाँ पे, अब संदीप भाई को यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे इसको लेंगे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबको डिलीट करेंगे एंड इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके कर देंगे, देख सकते हो। अब इसको ऊपर करके और यहाँ पे जो है इसको हम पहले सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से एंड इसको भी इस तरह से छोटा करके, अब इसको हम यहाँ से छोटा ही रखेंगे कुछ इस तरह से एंड इसको स्लाइड करके आगे जाएंगे और भी आगे जाएंगे एंड कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर, अब इसका कलर जो भी आप रखना चाहते हो आप अपने हिसाब से कलर भी हम बनाना बताएं तो उसको भी बनाना बता सकते हो। सो गाइज आप डायरेक्ट PLP फाइल में भी एडिट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे बता दूँ कि PLP फाइल में पासवर्ड लगी हुई है, जो कि पासवर्ड वीडियो में आपको दो जगह स्क्रीन पर कहीं भी देखने को मिल सकता है। अब गाइज यहाँ पे आपको एक PNG लेना है, आप चाहो तो सेम इसी तरह से कुछ भी लिख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे PNG लेने के लिए आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से यहाँ से हम फ्रॉम गैलरी में जाएंगे एंड एक PNG लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ से हम PNG ले लेते हैं, ठीक है, देख सकते हो ये वाली PNG, ठीक है, देख सकते हो गाइज। इसको भी आप इस तरह से आपको क्रॉप कर देना है, सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इस तरह से छोटा करके और इसको यहाँ पर सिंपली से आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है। तो देख सकते हो गया है, संदीप भाई यादव भाई को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको सिंपली सा PNG ले सकते हो या फिर आप लिख भी सकते हो, मैं वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में बताऊँ कि ये सब कैसे लिखना है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आपको जो भी मतलब कि आप अपने मन से लिखना चाहते हो लिख सकते हो या फिर यहाँ पे जो वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा भगवान से प्रार्थना है जो भी है दीर्घायु तथा जो भी है जो भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कॉपी कर लेते हैं, सिंपली से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आपको लिखना है आप लिख सकते हो। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से गाइज न्यू टेक्स्ट लेंगे फिर से एंड गाइज एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबको डिलीट करेंगे एंड यहाँ से इस तरह से हम पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से ओके करेंगे। अब गाइज इसको आपको अच्छा से एडजस्ट कर लेना है, स्लाइड करके आगे जाना है, कलर व्हाइट नहीं रहेगी तो कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके व्हाइट कलर बना सकते हो। मैं इसका डायरेक्ट फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, माई फॉन्ट में जाता हूँ, आप कोई सा भी फॉन्ट यूज कर सकते हो इसमें नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं नॉर्मली कोई फॉन्ट यूज कर लेता हूँ, देख सकते हो क्योंकि छोटा रहता है तो पता नहीं चलता। इसको छोटा करेंगे एंड इसको भी हम इस तरह से सीधा करेंगे और भी सीधा करेंगे और इस तरह से हम छोटा करके इसमें हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, देख सकते हो।
तो गाइज आप दूसरा कलर भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको स्लाइड कर आगे जाएंगे और यहाँ पे ए लाइन वाले जो ऑप्शन, इस पर क्लिक करके बीच वाले ऑप्शन पे इस तरह से हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, देख सकते हो एडजस्ट हो गया। इसको हल्का सा भी छोटा हम करके परफेक्टली जो है अच्छा से एडजस्ट कर लेते हैं, देख सकते हो। अब गाइज इतना करने के बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो या फिर जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जैसे कि गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम पिंटू वीटीएस, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे फिर से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके, सॉरी हाँ, यहाँ से भी न्यू टेक्स्ट ले सकते हो या फिर जैसे लेना है एक न्यू टेक्स्ट लेना है इसको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट करके यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। इसको भी आप सब 12 लेटर में लिख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से लिख लेना है। एंड गाइज यहाँ से आपको छोटा करना है और इसको इस तरह से, ठीक है, आपको इस तरह से छोटा कर लेना है और इसको ले आकर इसको सीधा कर लेना है इस बिंदु से और इसको यहाँ पे लाना है। अब गाइज इसमें सबसे पहले आपको कलर फॉन्ट जो भी चेंज करना है कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको, अब इसमें आप येलो कलर हम डाले हैं तो येलो कलर भी बनाना यहाँ पर दिखा देते हैं, इस तरह से बन गए हैं। अब सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगेगा जो फॉन्ट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसी में का ये वाली फॉन्ट यूज करता हूँ, देख सकते हो। अब जो भी फॉन्ट अच्छा लगे इंग्लिश में कोई बात नहीं, यहाँ से इस तरह से आप फॉन्ट भी एडिट कर सकते हो, देख सकते हो गाइज काफ़ी मस्त पोस्टर। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, न्यू दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको HD में सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिफॉल्ट पर क्लिक करके अल्ट्रा पर क्लिक करके सेव टू गैलरी में जैसे क्लिक करोगे आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। सो गाइज मैं फिर से बता दूँ कि जिप फाइल अगर डाउनलोड करते हो यानी PLP फाइल तो उसमें पासवर्ड है, पासवर्ड वीडियो में दो जगह पे कहीं भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप देख लीजिएगा अच्छा से। एंड चलिए गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।